हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है, मैम नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग कर दीजिए, और स्पेशली नो कॉन्टैक्ट को लेकर। मतलब अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो चेक करना है मुझे कि आप लोगों के पर्सन आपको कब तक कॉल मैसेज कर सकते हैं। सो हम ये देखेंगे कि क्या आने वाले 48 आवर्स के अंदर, मतलब 2 डेज के अंदर, आपको आपके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट में हैं या लेस कॉन्टैक्ट में हैं, या आप ब्लॉक नहीं हैं फिर भी आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो कॉन्टैक्ट में हैं बट कमिटमेंट नहीं मिली है, उनके लिए भी हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ हो सकता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे ओवर एंड ऑल। सो यहाँ पर ये 2 डेक्स मैं यूज़ करूँगी एनर्जी चेक करने के लिए। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट 48 आवर्स, आने वाले 2 दिन। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आने के बाद 2 दिन के अंदर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या आने वाले 2 दिन में मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेजेस या कमिटमेंट रिसीव होंगे, क्या उनके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, आने वाले 48 आवर्स कैसे रहने वाले, आने वाले 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं लव लाइफ में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, क्या उनके पर्सन उनको कॉल मैसेज करेंगे। फाइन, द चैरियट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था क्या रीयूनियन होगा, यहाँ पर देखिए डेविल विद 2 ऑफ कप्स, ऑलवेज टुगेदर, दे बोथ आर, क्या बोलूँ इन्हें, बेस्ट फ्रेंड्स। ज़्यादातर राधे कृष्ण के साथ डेविल आता है, शिव शक्ति के साथ डेविल आता है। मतलब कि अगर आपका पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है तो हो सकता है वो थोड़ा डेविलिश बिहेव करें, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सच्चे प्यार में पोजेसिवनेस होती है, सच्चे प्यार में थोड़ा गुस्सा भी होता है, सच्चे प्यार में थोड़ा अट्रैक्शन भी होता है, एक्स्ट्रा केयर भी होती है, और एक्स्ट्रा केयर की वजह से थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है, शक भी होता है, क्योंकि जहाँ प्यार है वहीं शक है। इसीलिए ये साथ में आता है ये बताने के लिए कि इस हद तक का प्यार है। और लास्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में, कुछ लोगों के पर्सन प्यार में झगड़ा भी कर सकते हैं, प्यार में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, आपने इनको क्यों मैसेज किया, जाओ तुम, क्या हो, मतलब तुम्हें और लोगों से बात करनी रहती है तो जाओ उन्हीं से करो, मेरे से मत करो। या ये भी हो सकता है कि आपने इनको रिप्लाई नहीं दिया हो, जो स्पेशली जो कॉन्टैक्ट में हैं, अगर रिप्लाई नहीं किया या इन्होंने आपको मैसेज किया, देखिए आप मैसेज करें और ये 2 घंटे 3 घंटे बाद रिप्लाई करें तो आप अपनी ज़ुबान को ठेपी लगा देते हैं, इसलिए कि भाई झगड़ा ना हो जाए, इतने दिनों बाद आए हैं तो ऐसा ना हो कि झगड़ा हो जाए और वापस ब्लॉक हो जाए। लेकिन ये अगर आपने इनको मैसेज नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया जल्दी से जल्दी, तो ये आपको तुरंत 4 लाइन सुना देंगे बढ़िया से, बिल्कुल, कहाँ घूम रही थी या कहाँ घूम रहे थे या किसके साथ बिजी थे, वॉट एवर जो इनके दिल में आएगा। तो ये क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि आप इनको इग्नोर करें, आप इनको इग्नोर करें तो इन्हें बर्दाश्त नहीं है, ये चाहे कितना भी करें, आप ऑनलाइन हो मैसेज कर रहे हो, ये सीन करके भी रिप्लाई ना दें तो भी चलेगा, बिकॉज ये लाड साहब हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये एनर्जी यहाँ पर इस तरह की है, तो मैं आपको उस वे में बताती हूँ ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें कि क्या आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। अगर होती हैं तो कमेंट में शेयर भी किया कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि जो एनर्जी है क्या वैसा आपके साथ होता है या नहीं होता है। समटाइम्स आपको ऐसा लगता होगा कि आपका पर्सन तो एक नंबर का झगड़ालू है, शक्की है, दिन भर आप पर शक करता है या करती है, 24 घंटे आपसे इसको मन करे तो लड़ेगा, खाली प्यार मोहब्बत दूर की बात है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर वो इस तरह का बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे कारण यही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है,
या करती है, इसलिए आपको लेकर इतना सोचता है या सोचती है, इसलिए आपसे इतना झगड़ा करता है या करती है। इवन हो सकता है कि वो टॉक्सिक वे में झगड़ा चला जाता हो, समटाइम्स वो गाली गलौज भी दे देते हों या दे देती हों, पॉसिबल है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ये बात सही है। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन समटाइम्स प्यार में इंसान लिमिट क्रॉस कर जाता है, भले उसे बाद में ये पछतावा हो कि शायद मैंने गलत कर दिया। ये भी हो सकता है कि कई लोगों का इसी बात पे झगड़ा हुआ हो कि तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है और आप दोनों को एक दूसरे ने ब्लॉक कर दिया है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जिस का झगड़ा सिर्फ इस बात पे हुआ है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, या तुमने ये क्यों किया, या तुमने वो क्यों किया, या तुमने मेरे को इग्नोर किया, इन सब चीज़ों पर अगर आपकी बहस होती है तो आप समझ लें कि आप दोनों में बहुत प्यार है। क्योंकि बिना मिर्च मसाले के कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, बोरिंग सा हो जाता है। तो यहाँ मिर्च मसाला है, बिल्कुल पूरा तड़का है यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। प्लस आपके पर्सन आपकी तरफ छोटा सा ही सही बट जेस्चर देने की हिम्मत जुटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इस कप में एक मछली ताक रही है। मछली अगर आपको ड्रीम में दिखे तो समझ लें कि आपको मैसेजेस आने वाले हैं, या कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या अपने लव को एक्सप्रेस करने वाले हैं आपके पर्सन। मछली जल में रहती है और जल इमोशंस का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। जब हम रोते हैं तो हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं, चाहे वो खुशी के हों चाहे वो गम के हों, ठीक है, वो अपने आप छलक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस को दिखाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। प्लस आप में से कई लोगों के पार्टनर अगर किसी भी वजह से आपसे दूर थे, किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी ऑब्स्टेकल की वजह से, तो उस ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए इन्होंने ये जो वॉन्ड्स हैं ये उठा लिया है। मतलब कि जो भी बीच में आ रहा है या आ रही है, जो भी सिचुएशन, उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी है। हमारी रीडिंग आज है, जो नो कॉन्टैक्ट में है या कॉन्टैक्ट में है, क्या उनकी बातचीत होगी, क्या उनको कॉल मैसेज आएगा, और जो कॉन्टैक्ट में है उनको कमिटमेंट मिलेगा? द आंसर इज़ येस इन नेक्स्ट 48 आवर्स। चैरियट विद 2 ऑफ कप्स, इससे एक ब्यूटिफुल कार्ड तो आ नहीं सकता। दूसरे डेक से भी चेक करेंगे हम, इसीलिए मैं हमेशा 2 डेक्स लेती हूँ ताकि मैं डबल वेरीफाई करूँ, आपको भी क्लैरिटी मिल जाए, और कुछ चीज़ें निकल कर आनी हो तो वो भी पता चल जाए। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, उनके पर्सन की तरफ से क्या कॉल मैसेज आएगा, क्या रीयूनियन होगा? देखिए, उस डेक से भी चैरियट का कार्ड आया, इस डेक से भी चैरियट का कार्ड आ गया है, दैट इज़ डबल क्लैरिफिकेशन। और यहाँ पर एक कार्ड और है, पेज ऑफ सोर्ड्स, इस पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या मैसेज आएगा एंजल्स? इस डेक से ज़्यादा कार्ड्स आए हैं लेकिन मैंने ले लिए हैं, बिकॉज जो बताना चाहते हैं उसे देखना भी ज़रूरी है। उस डेक से भी चैरियट विद 2 ऑफ कप्स आया था, इस डेक से भी चैरियट विद 2 ऑफ कप्स आ गया है। मीन्स सिमिलर एनर्जी है गाइस, दोनों डेक से सेम एनर्जी है। इस डेक से कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी आए हैं, उन्हें भी हम लेंगे। उस डेक से भी 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था, मैंने अभी आपसे कहा कि वो स्टैंड लेना चाहते हैं इस मुसीबत में, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनसे निपटना चाहते हैं, और यहाँ भी आया है। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज भी आई हैं। साइन सभी है गाइस, सभी ऑल साइंस हैं यहाँ पर। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रांग है, कैंसर बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे सभी साइन है। अब यहाँ पर जो चीज़ें एक्स्ट्रा निकल कर आई हैं, देखिए 1, 2, 3, ये 3 कार्ड तो मुझे याद है कि अभी इसके पहले वाले रीडिंग में भी आया था, ठीक है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकल कर आई हैं वो हैं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनली विड्रॉ कर चुकी हैं या कर चुके हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे, बट ये गलत है। अगर वो आपसे दूर हैं तो वो 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। मजिशियन की भी एनर्जी है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों में टावर मोमेंट है तो ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है।
सेवन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से या अपने करियर की वजह से या जिस भी वजह से इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, इनको रियलाइजेशन हो चुकी है कि इन्होंने गलत किया है। अभी आपको हाई भेज सकते हैं, आपको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्टैंड लेने की भी एनर्जी है, अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम सच हो सकता है प्रॉब्लम झूठ हो आपकी सिंपैथी गेन करने के लिए, बट प्रॉब्लम बताएंगे। हैरोफेंट की एनर्जी है, आप में से कई लोगों को कमिटमेंट भी रिसीव हो सकती है इनकी तरफ से। और द चैरियट विद टू ऑफ कप्स अगेन विद स्ट्रेंथ, मेजर सिचुएशन है यहाँ पे, हिम्मत करके आपको कॉल मैसेज करेंगे। दोनों डेक से मैंने क्लैरिफाई किया है, सेम कार्ड्स आए हैं गाइस। सो यहाँ पर इट्स अ डबल क्लैरिफिकेशन कि आप दोनों का यूनियन भी होगा और बहुत जल्द होगा, मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 48 आवर्स। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आने वाले 48 आवर्स के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। सो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, मुझे अप्रिशिएशन मिलती है। और डेफिनेटली ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए, हो सके तो रेड तारा मंत्र सुनते सुनते इमेजिन कीजिए अपने लाइफ में अपने पर्सन को। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।